दो काम करता है, किसी को देखते गलत भी विचार कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, दोनों विचार प्रकार के विचार करने की उसको आदत है। तो आज क्या करेंगे आप, कौन सी आदत उपयोग करेंगे? दोनों है, अच्छा भी सोच सकते हो गलत भी सोच सकते हो, दोनों आपके हाथ में है। तो एक दिन अपने आप को पाठ पढ़ाओ, औरों को पाठ पढ़ाना सबसे सहज काम है। बच्चे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो बताना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन है अपने आप को सिखाना। मुझे इनके लिए ऐसा नहीं सोचना है, मुझे इनके लिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अपने को पढ़ा। हाँ, गलत कोई करता है, उसको देखकर गलत विचार आता है, तुरंत समझा नहीं, शिव बाबा ने कल कहा था बच्चे इनके लिए ऐसा नहीं सोचो, ये शिव बाबा का बच्चा है। तो समझ में आया, याद किसको कहते हैं? बाबा कहता है बंगले में 8 घंटा याद सवेरे से रात चलते फिरते कर्म करते, लेकिन उससे जो पहले किया हुआ पाप है वो नहीं मिटेगा, अभी दोबारा पाप नहीं हुआ, किसी को देखते याद आएगा नहीं इसने कल गुस्सा किया था, अगर आपने उसका चिंतन किया तो दोबारा पाप हो गया। हाँ, कल उसने गुस्सा किया था, उसने गलत किया, अभी मुझे क्या करना है? आज शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शामिल कीजिए, गलत कोई करेगा, अगर उसको देखकर मेरे मन में गलत विचार आया तो दोबारा पाप हो गया, वो 5000 वर्ष के लिए दोबारा कर्म बन गया। तब का संगम पर 5000 का रिकॉर्डिंग होता है, और 5000 पहले जो किया था उसको मिटा भी सकते हो। दो काम, एक मिटाना और एक बनाना, ये भूलना। संगम पर भगवान आके क्या करता है, पतित आत्मा को 5000 वर्ष के लिए पाप बनाता है, और पतित जो कर्म किया है आधा कल्प से उसको मिटाता है, उसके शक्ति से मिटाता है। ये दो काम करने क्या है, इसलिए उसको कहा, शिव बाबा ने कहा मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन करना है, और मेरा कोई धर्म कर्म नहीं है। शिव बाबा ने धरती पर कौन क्यों आया, उसका नाम है ये पाप कटेश्वर, पाप मिटा देना, लेकिन अपने अपने विधि बताता है। बाबा मेरा पाप मिटा दो, बच्चे डॉक्टर को कहो मेरे दर्द मिटा दो, ये दवाई ले लो। यहां भी नंबर 1 रात जो पहला, रास्ते पर चलो, घर में रहो, संसार में रहो, सब कुछ कर्म करते हुए एक ही मन में विचार चले, कम से कम किसी की भी याद आए, याद नहीं आना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए, नहीं कि संसार है, किचड़ है, उसमें रहते हुए भी अगर आया तो तुरंत समझाओ नहीं, यीशु बाबा का बच्चा है, मेरा पति नहीं, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे भगवान के बच्चे, यीशु बाबा आप इनका कल्याण करो, इनको सब बुद्धि दो, इसमें कोई तकलीफ है?